Greetings, wonderful audience. Amarjit here from Amar PTE classes. Welcome back to my channel. I hope you all are doing fantastic. In today's video, I am going to discuss reading filling the blanks because reading filling the blanks is crucial task for some of the students so i will share some important tips and tricks to how to solve reading filling the blanks easily so in today's video i am going to discuss december prediction and it's the page number 3 of the ap uni and i will try to solve all the hard levels of reading filling the blanks so let's try with the first one so first one is the financial crisis as you all know kijo apunia they have divided the blanks in the different levels like hard level easiest level and the medium level so these are the reading filling the blanks and these are contributing around 15 to 20 marks in the reading section only so जो मेन प्रॉब्लम है रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स में वो ये प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन जो सारी गिवन होती हैं वो यहाँ पे गिवन होती हैं तो वो मोस्टली मोस्ट ऑफ़ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दे

दैन यू कैन डू एनी थिंग मीन्स इफ़ यू विल डू लाइक कि अगर आप सोचते हो कि मैं ये फिल कर सकता हूँ तो आपके मार्क्स आ सकते हैं बट इफ़ यूर टारगेटेड स्कोर इज सिक्सटी और सिक्सटी प्लस और सेवन ईच देन आपको जो रीडिंग फिलिंग द ब्लैंक्स है उसके लिए आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है सो so, सबसे पहले जो भी ऑप्शनस गिवन होते हैं जब भी आप प्रैक्टिस करते हो तो जो ऑप्शन आपको लगता है कि मुझे इसके आंसर्स नहीं पता है तो आपने कोशिश करनी है कि आपने उन ऑप्शंस के आंसर को फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले जहां पे ये ऑप्शंस हैं तो ये सारे ऑप्शंस गिवन है तो आपके पास सिर्फ फोर ब्लैंक्स है बट आपके पास जो ऑप्शंस गिवन होंगी वो एट गिवन होंगी फॉर फोर ब्लैंक्स सो लेट्स स्टार्ट विद दी वन सिंस द बिगिनिंग ऑफ दी फाइनेंशियल क्राइसिस सो फाइनेंशियल क्राइसिस की बिगनिंग की बात कर रहे हैं देयर हैव बिन टू प्रिंसिपल डैश तो यहाँ पर टू प्रिंसिपल है तो अगर टू है इट मीन्स यहाँ पर जो आएगा वो प्लूरल आएगा क्योंकि टू सिंगुलर नहीं है प्लूरल है सो माइड भी जो इसका आंसर है वो नेक्स्ट लाइन में पढ़ाओ फॉर वाई सो मेनी बैंक्स मेड सच डिजास्टर डिसीजन्स दी फर्स्ट इज स्ट्रक्चर रेगुलेटर्स डिड नॉट रेगुलेट इंस्टीट्यूशंस फेल्ड टू डैश सो टू है मीन्स यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी एज दे शुड नेक्स्ट रूल्स एंड गाइडलाइंस फॉर ईडर इन एडिकुएट और डैश सो इनएडिकुएट है और यहाँ पर और है मीन्स जो इनएडिक्युएट है उसके साथ जो सिमिलर है वो यहाँ पे आएगा नेक्स्ट है दकेंड एक्सप्लेनेशन इज दैट वॉल स्ट्रीट वॉज सो वॉज मीन्स ईडी फॉर्म ऑफ वर्ब दैडी ट्रेडर एंड इन्वेस्टर डिट नॉट नो एनफ दे मेड एक्स्ट्रा वेगेंट बेड्स विदाउट अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सिक्वेंसिस सो फर्स्ट वन इज देअर है यहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस की स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं तो उसमें उसने बताया कि देयर हैव बिन टू प्रिंसिपल डैश सो टू प्रिंसिपल्स क्या हो सकते हैं अगर हम प्लूरल की बात करें तो प्लूरल हमारे पास सिर्फ गिवन है एक्सप्लेनिशंस में और प्री रेक्वासाइट्स में सो so अगर हम प्री रेक्वासाइट्स की बात करें तो इसका मतलब होता है प्रियॉर कंडीशंस बट एक्सप्लेशंस भी हो सकता है क्योंकि सेकेंड एक्सप्लेनेशन का जो आंसर है वो यहाँ पे गिवन है सो सेकेंड एक्सप्लेनेशन का आंसर गिवन यहाँ पे है इट मीन्स जो फर्स्ट आएगी तो यहाँ पे क्या होगा two principal explanations because second explanation is given here and these are first one, this one is the first one and this one is the second one. Next is the first is a structure regulators did not regulate मतलब जो रेगुलेटर्स हैं वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं जो फर्स्ट एक्सप्लेनेशन दी गई है सो इंस्टीट्यूशंस फेल्ड टू डैश एज दे शुड तो इंस्टीट्यूशंस की बात करी है उन्होंने कि इंस्टीट्यूशन इस चीज़ में फेल हो गए हैं कि जैसा उनको करना चाहिए था शुड मतलब ऐसा होना चाहिए था तो उनका ऐसा क्या होना चाहिए था उनका फंक्शन ऐसा होना चाहिए था या प्रोविज़न ऐसा होना चाहिए था तो प्रोविज़न या इनकॉम्पिटेंट का तो मीनिंग यहाँ पे नहीं आएगा रिफ्यूज़ हो गया मना करना इग्नोर भी एक तरह से मना करना हो गया तो यहां पे क्या आएगा एज जो उनका फंक्शन था वो वैसा होना चाहिए था सो फेल्ड टू फंक्शन एज दे शुड रूल्स और गाइडलाइंस जो हैं वो इनएडिकुएट हैं और डैश हैं सो इनएडिकुट के साथ जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो हो सकते हैं इनकॉम्पिटेंट और इग्नोर्ड भी हो सकता है रिफ्यूज नहीं होगा क्योंकि रिफ्यूज हो गया मना करना इन इनएडुकेट हो गया मीन्स वो चीज़ सिमिलर नहीं है मतलब उसके साथ वो सूट नहीं कर रही है बट अगर हम इनकॉम्पिटेंट बोलते हैं तो मीन्स कोई नेसेसरी स्किल्स नहीं है तो नेसरी स्किल जो नहीं है वो यहाँ पे हो सकता है तो अगर हम इधर इनएडुकेट की बात करें तो यहाँ पे और क्या आ जाएगा इग्नोर्ड आ जाएगा नेक्स्ट इज द द्ड एक्सप्लेनेशन जो है कि वॉल स्ट्रीट वॉज डैश तो वॉल स्ट्रीट का जो उसने रीज़न दिया है कि इन्वेस्टर्स को ज़्यादा नहीं पता था तो उन्होंने ऐसी बेड्स लगा दी कि उनको ये नहीं पता था कि उनके कॉन्सिक्वेंस क्या हो सकते हैं मीन्स उनके पास वो स्किल्स नहीं थे इट मीन्स अगर उनके पास वो स्किल्स नहीं थे तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगी वो क्या आएगी इनकॉम्पिटेंट सो लेट्स चेक द आंसर्स फर्स्ट सो एक्सप्लेनेशन वर्ड आप यहां से चूज कर सकते हो फर्स्ट ब्लैंक का आंसर यहां पे गिवन है तो यहां पे उन्होंने इंस्टीट्यूशंस की बात करी है तो इंस्टीट्यूशंस को वैसे फंक्शन करना चाहिए सो so जैसे फंक्शन करना चाहिए वो फंक्शन यहां पे गिवन नहीं था और इनएडुकेट है इन एडुकेट के साथ हमारे पास जो सिमिलर ऑप्शन है वो इग्नोर्ड है एंड यहां पे जो वॉल स्ट्रीट है वो क्या है इनकॉम्पिटेंट है इनकॉम्पिटेंट आप कहां से देख सकते हो विदाउट अंडरस्टैंडिंग दी कॉन्सिक्वेंसिस सो नेक्स्ट देखते हैं हार्ड लेवल नेक्स्ट है एन आर्टिस्ट लाइफ सो देश सो दीन्स यहाँ पे नाउन आएगा डेकेट ऑफ एन आर्टिस्ट लाइफ डू नो जर्नली मेक द बायोग्राफर्स हार्ट बीट फास्टर बट मॉनेट इज वन ऑफ अ हैंडफुल ऑफ पेंटर्स हु बक्स दैटर्न ऑफ एन डैश एन है मीन्स यहाँ पे वॉवल आएगा

अर्ली इरेलीवेंट क्लोजिंग एंड मिसिंग तो आई थिंक सबका मीनिंग स्टूडेंट्स को क्लियर होता है अकॉमोलेटेड होता है इकट्ठे करना एंड इरेलीवेंट होता है जो चीज़ रेलिवेंट नहीं है सो हमने राइट ऑप्शन को कैसे चूज करना है अब उसने फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि डैश ऑफ द डेकेड किसी आर्टिस्ट के लाइफ की बात कर रहा है तो उस चीज़ में वो बायोग्राफी की बात कर रहा है बायोग्राफी मींस वो आप अपने बारे में कुछ बता रहे हो आपकी लाइफ के बारे में बता रहे हो हार्ट बीट फास्टर इट मींस जब आप बायोग्राफी लिखते हो तो इट मीन्स कि इट इज़ दी एंड ऑफ एंड ऑफ योर लाइफ एंड यू आर जस्ट कंक्लूडिंग अ लाइफ तो इफ़ यू आर कंक्लूडिंग लाइफ देन इट मीन्स इट विल बी क्लोजिंग क्योंकि उसने बोला है कि बायोग्राफर हार्ट बीट फास्टर तो इट मीन्स जब बायोग्राफी लिख रहा है तो इट मीन्स दिस इज द्लोजिंग ऑफ एन आर्टिस्ट लाइफ इट इत मीन्स इट्स अ क्लोजिंग सो फर्स्ट वन आ गया द्लोजिंग अब उसने बोला है मॉनेट इज वन ऑफ द हैंडफुल ऑफ पेंटर्स तो पेंटर्स की बात करी है वो बक्स दैटर्न ऑफ एंड डैश ओल्ड एज मतलब उसने ऐसा ओल्ड एज पैटर्न को फॉलो करा तो यहाँ पे एन है अगर हम वॉवल्स की बात करें तो अकोमोलेटेड भी हो सकता है आई है इंस्पायर्ड हो सकता है अर्ली हो सकता है इरेलीवेंट हो सकता है बट उसने बोला so है कि वाई लेट्स टू डेट बाय द टाइम ही वाज 73 ही है डैश ऑल द यूजुअल ड्रैगिंग बगेज सो मीन्स जो पेंटर्स हैं तो उसने एक पैटर्न की बात करी है ओल्ड एज के पैटर्न की बात करी है तो ओल्ड एज का जो पैटर्न है वो क्या होगा इरेलीवेंट होगा क्योंकि आगे उसने लिखा हुआ है टेस्ट फॉर दी एक्सपेंसिव वाइन एंड डिपेंडेंट इट वाज आल्सो नाउ नाउ दैट ही प्रोड्यूस करियर डिफाइनिंग वर्क सो दी इेलिवेंट ओल्ड एज नेक्स्ट बाय द टाइम ही वॉज सेवेंटी थ्री ही डैश हैड ऑल द यूजल ड्रैगिंग बगेज सो हैड है इट मीन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है अकामुलेटेड है या इंस्पायर्ड है बट अगर आप बगेज की बात कर रहे हो ड्रैगिंग बगेज की बात कर रहे हो तो इट मीन्स कि आप कुछ चीज को इकट्ठा कर रहे हो तो इंस्पायर नहीं कर रहे हो आप इकट्ठा कर रहे हो तो अगर हम इकट्ठा करने की बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अकामुलेटेड सो हाउ यू विल चूज द राइट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे बायोग्राफी की बात हो रही है आर्टिस्ट लाइफ के और यहाँ पे एंड में उसने लिखा है कि इट मेक्स दी हार्ट बीट फास्टर देन यू विल चूज हेयर एट क्लोजिंग नेक्स्ट एन है तो वॉवल्स आएंगे सो तो वॉवल में से आपने देखना है कि इंस्पायर्ड नहीं आ सकता क्योंकि ओल्ड एज की बात हो रही है तो इेलीवेंट हो सकता था या अर्ली हो सकता था तो इेलीवेंट ओल्ड एज होगी क्योंकि अर्ली ओल्ड एज इज़ नॉट अ मीनिंग नेक्स्ट है ड्रैगिंग बगेज है इट मीन्स

सो फर्स्ट इज लाइक दी टर्टल्स सो सी टर्टल्स की बात कर रहे हैं वी आर डैश सो यहाँ पे आर है so if the sentence is in the active voice, तो इफ़ देंटेंस इन दी एक्टिव वॉयस तो आई एन जी यूज करेंगे बट इफ़ देंटेंसिज इन दी पैसि वॉयस तो हम ई डी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे टू दी ब्राइट लाइट ऑफ अवर फोन्स तो उसने सी टर्टल्स का एक एग्जाम्पल लिया तो उसके बाद उस एग्जाम्पल्स को उसने ह्यूमन्स के साथ कंपेयर करा है कि जो ह्यूमन्स हैं मतलब दे आर एट्रैक्टिव टूवर्ड ब्राइट लाइट्स ऑफ द फोन टेबलेट्स लैपटॉप एंड टीवीज एंड अवर माइंड एंड बॉडीज बिकमिंग डैश सो जो हमारा माइंड है वो अट्रेक्टिव है ब्राइट कलर्स की तरफ एंड अवर बॉडीज बिकमिंग डैश एज वी लूज फोकस एंड डायरेक्शन मीन्स जब हम फोकस और अपनी डायरेक्शन को लूज करते हैं तो हमारी बॉडीज क्या होंगी ईच डे वी आर डैश मतलब हर दिन वी आर मतलब ह्यूमन्स बिटवीन दैल्यू ऑफ टेक एंड दी कॉस्ट टू अवर हेल्थ मीन्स जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं बट वो टेक्नोलॉजी हम अपनी कॉस्ट टू अवर हेल्थ पे तो यूज नहीं कर रहे हैं तो इस चीज़ की जो ऑप्शन है वो यहाँ पे रिलेटेड होगी सो फर्स्ट यू हैव चेक दी ऑप्शन सो फर्स्ट है डिस औरड मीन्स आप एक जगह पे फोकस नहीं हो नेक्स्ट है ड्रॉन सो ड्रॉन का मीनिंग होता है डिस्ट्रैक्टेड नेक्स्ट है टॉन फाड़ना डिसलोकेटेड अपनी पोजिशन पे नहीं है जगलिंग मतलब आप एक जगह से दूसरी जगह पे जगलिंग कर रहे हो नेक्स्ट इज़ दी डॉन सो डॉन इज़ लाइक की मॉर्निंग टाइम

टीवीज सो अवर माइंडस एंड बॉडीज बिकमिंग अगर हम ऐसा करते हैं हमें डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो हमारी माइंडस और बॉडीज क्या होंगी बिकमिंग डैश एंड वी लूज़ फोकस एंड डायरेक्शन तो हम अपना फोकस और डायरेक्शन लूज कर देते हैं मीन्स इफ़ वी आर बिकमिंग डिसऑरिएटेड डिसलोकेटेड नहीं होगा क्योंकि लोकेशन नहीं हम चेंज कर रहे हैं सिर्फ हमारा माइंड चेंज हो रहा है ब्राइट कलर्स की तरफ से तो इसलिए यहाँ पर डिसऑरिएटेड आएगा डिसोकेटेड नहीं आएगा तो हमने अपना फोकस और डायरेक्शन को लूज कर दिया देन ईच डे वी आर डैश तो हमारी जो लाइफ है वो टेक्नोलॉजी पे बन गई है और द कॉस्ट टू अवर हेल्थ जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी हेल्थ को कॉस्ट कर रही है तो इट मींस वी आर टॉन सो दिस इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सो लेट्स चेक द आंसर सो ड्रॉन मींस ड्रॉन क्यों लिया है? क्योंकि वी आर डिस्ट्रैक्टेड नेक्स्ट इज अगर हम डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं तो हमारा जो माइंड है वो क्या होगा डिसऑरिएंटेड अपनी जगह पे नहीं आएगा और देन वी आर टॉन मींस हम एक जगह टॉन uh, का मतलब फटना होता है बट यहाँ पे टॉन का मीनिंग निकला है कि वी आर डिवाइडेड बिटवीन द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी एंड दैट टेक्नोलॉजी कॉस्ट टू अवर हेल्थ सो लेट्स डू द नेक्स्ट वन फ्रॉस्ट पोइट्री

आई लाइक टू थिंक ऑफ हिस ऑप्शेसन मीन्स मैं सोचता हूँ उसकी ऑप्शेशन के बारे में विद डैश मीनिंग्स विच ही हैज़ अ वे ऑफ रिस्पोंडिंग टू अ डिवीज़न इन कल्चर जो उसने यूज़ करे रिस्पोंड करने के लिए अगर कल्चर में कोई डिविज़न है और बिटवीन डिवाइड बिटवीन द डिवीज़न बिटवीन दी पॉपुलर एंड दिलाइट रीडर्स अ डिवीज़न

एज अ पॉइट हो के देखा है तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस क्या हैं प्रोजेक्ट्स डाउटफुल एक्सक्लूसिव प्रॉस्पेक्ट एक्सप्रेसिव एंड डबल तो अगर हम एक्सक्लूसिव की बात करते हैं तो एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि यूनिक है और अगर हम प्रॉस्पेक्ट की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है कि बताना है एक्सप्रेसिव मीन्स आप बहुत विस्तार से बता रहे हो डबल सिंगल से डबल देन प्रोजेक्ट तो अब उसने फिगर्स की बात करी है तो अगर हम फिगर्स की बात कर रहे हैं तो मीन्स फिगर्स प्रोजेक्ट होती हैं तो यहाँ पे वो किसी और चीज की, तो की बात कर रहा है तो सिर्फ यहाँ पे फिगर्स की बात कर रहा है जो उसने एज अ पॉइंट करके देखी है तो इट मीन्स इट प्रोजेक्ट्स सो नेक्स्ट वन आई लाइक टू थिंक तो यहाँ पे डबलनेस की बात हो रही तो तो माइड भी आंसर यहाँ पे हो सकता है आई लाइक टू थिंक ऑफ हिज ऑब्सेशन विद डैश मीनिंग्स तो उसने अलग अलग मीनिंग्स यूज करें हैं डिवीज़न इन कल्चर के लिए और बिटवीन पॉपुलर एंड एलाइट रीडर्स के लिए तो कौन से मीनिंग्स होंगे एक्सक्लूसिव होंगे एक्सप्रेसिव मीनिंग्स होंगे या डबल मीनिंग्स होंगे बट ऑलरेडी डबलिंग की बात हो गया इट मीन्स डबल मीनिंग्स दो तरह के मीनिंग होंगे नेक्स्ट अ डिवीज़न दैट ही सॉ एज ऑफ अ डिवीज़न इन अमेरिकन कल्चर तो जो उसने देखी है

ऑलरेडी जो फिगर्स हैं वो डबल हो गई हैं तो मीनिंग्स भी वो डिवीजन की ही बात कर रहा है कि ऐसे ऐसे डिवीजन हुई है तो मीन डबल मीनिंग्स हो गए तो एक्सप्रेसिव ऑफ द डिवीजन इन द अमेरिकन कल्चर नेक्स्ट वन वी विल डू ऑल दी हार्ड लेवल्स ऑन पेज नंबर थ्री नेक्स्ट वन इज द म्यूजिकल सो वी हैव फोर ब्लैंक्स एंड आई थिंक वी हैव एट ऑप्शन एट टू नाइन ऑप्शन सो नेक्स्ट वन इज़ दी रेवेन्यू टेस्ट इंप्रेशन टेक्नीशियंस कंडीशन सेट्स एडवांसेस रिसोर्स एंड फॉर्म्स सो मीनिंग सबके ईजी हैं सो वन ऑफ दी मोस्ट पॉपुलर फॉर्म्स ऑफ थिएटर इज़ द म्यूजिकल तो उसने बोला है कि जो हम थिएटर करते हैं उसकी सबसे जो पॉपुलर फॉर्म है वो म्यूजिक है जिसमें हम कंबाइनिंग ड्रामा को कंबाइन करते हैं डांस होता है म्यूजिक होता है एंड द म्यूजिकल हैज़ बिन अराउंड फॉर ओवर अ सेंचुरी और जो ये म्यूजिक है वो सेंचुरी से चला आ रहा है एंड इन दैट टाइम हैज़ कैप्ट पेस विद द चेंजिंग डैश अब वो सेंस उसने बोला कि वो सेंचुरी से मतलब म्यूजिक चल रहा है हम ड्रामा देख रहे हैं डांस देख रहे हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देख रहे हैं बट विद टाइम कैप्ट पेस विद द चेंजिंग डैश तो विद द टाइम वो चेंज भी हो रहा है तो म्यूजिक जो चेंज हो रहा है तो अगर हम देखें तो हमारे टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है क्योंकि सम विल प्रेफर कि उनको लाइट म्यूज़िक पसंद है कईयों को होता है कि उनको ज़्यादा हैवी म्यूजिक पसंद है तो इट मींस विद चेंजिंग टेस्ट क्योंकि जो नाइन्टीज़ uh, है एटीज़ है सबका जो म्यूजिक का टेस्ट है वो चेंजिंग है एंड सोशल तो सोशल क्या होंगी हमारे पास कंडीशंस तो ये अंडरस्टूड वर्ड्स हैं चेंजिंग क्या होंगे टेस्ट होंगे क्योंकि प्लूरल्स की बात कर रहे हैं तो प्लूरल ही आएंगे और सोशल क्या होंगी हमारे पास कंडीशन होंगी क्योंकि टाइम के साथ जो चीज़ है वो चेंज हो रही है एज वेल एज डैश इन दी थिएटर टेक्नोलॉजी अब उसके बाद जो पहले थिएटर होता था वो डिफरेंट था बट जो अब थिएटर है वो चीज़ डिफरेंट है तो इट मीन्स जो थिएटर है उसमें क्या हुए हैं एडवासिज हुए हैं क्योंकि उसने बोला है मैनी मॉडर्न म्यूजिकल आर नोन इट मीन्स मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा है तो थिएटर में भी क्या हुए हैं एडवांसेज हुए हैं आ नोन फॉर देयर स्पेक्टेकुलर डैश लाइटनिंग एंड अदर इफेक्ट्स तो बहुत सारे जो मॉडर्न म्यूजिकल्स हैं उनको हम स्पेक्टेकुलर क्या होगा लाइटनिंग एंड अदर इफेक्ट्स तो मीन्स वो ऐसी क्या चीज़ें यूज करेंगे मीन्स वो सेट जो हम देखते हैं वो एक सेट लगा होता है तो सेट पे लाइटनिंग का इफेक्ट होता है और और चीज़ों का इफेक्ट होता है तो यहाँ पे क्या आ गया सेट्स क्योंकि म्यूजिक का सेट ही होता है उसके बाद लाइटनिंग होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सो चेंजिंग टेस्ट क्योंकि सेंचुरी की बात कर हैं सो सेंचुरी में हंड्रेड इयर्स है तो उसके अकॉर्डिंग आपका टेस्ट चेंज होगा सोशल कंडीशंस चेंज होंगी और एडवांसेस होंगे थिएटर टेक्नोलॉजी में और म्यूजिकल आर नॉन फॉर देयर दिस सेट्स सो लेट्स चेक द आंसर्स दीज आर आंसर्स सो नेक्स्ट इज द चैरिटी चैरिटी की बात हो रही है सो माई स्कूल इन दिटी ऑफ लंडन सिटी ऑफ लंडन की बात कर डैश अपील सो हेयर इट इज ए मीन्स आपके पास क्या आएगा सिंगुलर इन दम्युनिटी आई वॉज वोटेड एज ए चेयरमैन कम्युनिटी की बात करे की जहां पर मैंने वोटेड करा एज अ चेयरमैन वी डैश फोर्टी एट थाउजेंड पाउंड तो हमने फोर्टी एट थाउजेंड पाउंड वो करे एंड आई वॉन्ट द फर्स्ट प्लेस इन दी एंड तो एंड में मुझे फर्स्ट प्लेस मिला ड्यूरिंग दिस पीरियड आई लर्न अ लॉट एंड रियलाइज मुझे मैंने बहुत कुछ सीखा इस पीरियड में और रियलाइज़ करा दी इम्पॉर्टेंस ऑफ डैश एंड हाउ टू डैश अदर पीपल्स अवेयरनेस सो यू हैव टू चूज़ वाइसली क्योंकि यहाँ पे आप गलत ऑप्शन को चूज करते हो मोस्टली बच्चे यहाँ पे चूज़ करते हैं सो so, फर्स्ट है हमारे पास चैरिटी चैरिटी मीन्स आप लोगों से चैरिटी ले रहे हो नेक्स्ट इज द टेंसिटी सो टेंसटी का मीनिंग होता है दृढ़ता स्किल आपके पास कौन सी स्किल है सो नेक्स्ट वन इज द राउस राउस मीन्स जगाना रेस्ड इनक्रीज करना रेकोगनाइज पहचानना बेग एज अंगना मनी एंड नेक्स्ट इज द आंट आन मतलब आप कमा रहे हो ना उसने बोला माई स्कूल इन दिटी ऑफ लंडन वो सिटी ऑफ लंडन में किसी स्कूल की बात कर रहा है जहां पे उन्होंने हेल्ड अ डैश अपील तो कौन सी अपील उन्होंने हेल्ड करी तो यहाँ पे जो हमारे पास है चैरिटी की बात हो रही है क्योंकि उसने बोला है कि मैंने वहां पे एज अ वो करा तो हमें इतने पाउंड्स मिले तो मीन्स उन्होंने चैरिटी की अपील करी है तो यहाँ पे क्या आ गया चैरिटी अब इन दम्युनिटी आई वॉज वोटेड एज द चेयरमैन वी डैश फोर्टी एट थाउजेंड पाउंड मतलब चैरिटी में क्या होता है कि आप फंड को रेज करते हो तो फंड को रेज करके हमारे पास फोर्टी एट थाउजेंड पाउंड हो रहे हैं तो मीन्स हमने मनी को रेज करा है एंड आई वॉन्ट दिस फर्स्ट प्लेस इन द एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आई लर्न द लॉट मुझे मैंने बहुत कुछ सीखा एंड रियलाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ डैश मीन्स अगर आप चैरिटी की बात कर रहे हो तो इट मीन्स आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो तो इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी भी हो सकता है मोस्टली स्टूडेंट्स विल चूज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी बट दिस इज़ नॉट अबाउट मनी दिस इज़ अबाउट चैरिटी मीन्स हाउ यू विल डोनेट द थिंग्स सो इम्पॉर्टेंस ऑफ टेंसटी तो टेंसटी मीन्स आपकी दृढ़ता कि आप कितने उसके साथ काम कर रहे हो कैसे चैरिटी को इकट्ठा कर रहे हो बट नाइन्टी परसेंट ऑफ़ द स्टूडेंट विल चूज़ यर मनी एंड हाउ टू डैश अदर पीपल्स अवेयरनेस मीन्स आपने और लोगों को भी इस बारे में बताना है तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो राउस आएगा राउस मतलब आपने जगाना है लोगों को चैरिटी के लिए तो जो मेन मिस्टेक्स इस पैराग्राफ में बच्चे करते हैं यहां पे वो मनी फिल करते हैं और यहां पे वो रेज़ड फिल करते हैं सो इफ यू विल नो मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स देन यू कैन डू इट करेक्टली सो लेट्स चेक अवर आंसर्स So, this paragraph is very easy, and you will know all the options. But sometimes you will mistakes, likes, you will choose the incorrect options. So, you can get confused in this and in this also. So, choose your answers wisely. So, next one. So, I think this one. चिपेंजिज so तो पोस्टर जेस्टर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस कम्युनिकेट मैनी मैसेजेस एंड डैश सो मैसेजेस मीन्स हेयर अगेन इट इज प्लूरल तो चिपेंजिज़ के पोस्टर चिपेंजी पोस्टर्स की बात करिए जिसमें उनके जेस्टर्स को यूज़ कराए फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज़ कराए और वो कैसे कम्युनिकेट करते हैं अपने मैसेज को एंड डैश बिटवीन वेरियस इंडिविजुल्स तो इट मीन्स यहाँ पर प्लूरल है तो so आपके पास ऑप्शन है कन्विंसिंग इमोशंस बिहेवियर्स ग्रीटिंग्स री एश्योरेंस मीटिंग एटीट्यूड्स एंड सबॉर्डिनेट्स सो इट मीन्स वो अपने मैसेज को कन्वे करते हैं तो मैसेज की अगर हम जेस्टर्स की बात करें या फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करें तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो आ सकता है इमोशंस क्योंकि अगर जेस्चर हैं फेशियल एक्सप्रेशन है तो वहाँ से हम इमोशंस को ही एक्सप्रेस करते हैं व्हेन डैश अ डोमिनेंट इंडिविजुअल फॉलिंग एन फॉलोइंग एन एब्सेंस और इन रिस्पांस टू एन एग्रेसिव जेस्टर नर्वस डैश में अप्रोच विद सबमिसिव सिग्नल्स क्रॉचिंग प्रेजेंटिंग दी हिंड क्वार्टर्स होल्डिंग अ हैंड आउट अ बाय दिस ग्रंट्स और सिक्वीज इन रिस्पॉन्स दी डोमिनेंट इंडिविजुअल में मेक जेस्टर्स ऑफ दिस सच एज टचिंग किसिंग और एम्बेरसिंग सो this line is ended here when dash a dominant individual so when अब उसने बोला है कि जब वो किसी चीज को डोमिनेंट इंडिविजुअल्स को फॉलो करते हैं और उनकी जो एब्सेंस होती है तो उनके जो जेस्चर्स होते हैं वो अग्रेसिव टाइप के होते हैं इट मींस व्हेन greeting greeting means आप अपना आभार शो कर रहे हो नर्वस डैश में अप्रोच

दी डाउट्स तो उन्होंने डाउट्स को रिमूव करके जो अपने जेस्टर्स हैं वो इस तरह से शो करें हैं सो मैसेजेस हैं जेस्टर्स की जगह जो जेस्टर और एक्सप्रेशंस होते हैं तो वो आप इमोशंस के साथ शो करते हो तो हेयर एटेज इमोशंस तो उसके बाद उसने बताया कि जब वो किसी को अपना आभार प्रकट करते हैं क्योंकि उस पर उसने यहाँ पर यूज करा है रिस्पॉन्स टू एन एग्ज्रेसिव जेस्टर तो शो करें उनके जेस्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं तो यहाँ पर क्या आ गया ग्रेटिंग नेक्स्ट नर्वस में अप्रोच विदिव सिग्नल्स तो साथ वाले जो हैं सबॉर्डिनेट जो उनके साथ लोअर पोजीशंस पे हैं तो जब वो ये वाले पोजीशंस को शो करते हैं तो इट मीन जस्टिस ऑफ री एश्योरेंस सो लेट्स चेक आंसर्स सो दिस इज दार्ड लेवल ऑफ पेज नंबर थ्री ऑफ एपी यूनी सो इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन दीज काइंड ऑफ ब्लैंक्स देन यू कैन कॉन्टेक्ट मी my number is given in the description box so if you want to discuss something with me any problem regarding pte then you can also discuss with me and without any cost and don't forget to subscribe to my channel and liking to my videos and share these videos with your friends also thank you so much for watching my videos